शहद और लहसुन दोनों ही अपने आप में मनुष्य के लिए कुदरत का दिया हुआ अनमोल उपहार है। लहसुन कई सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। इसका इस्तेमाल भारतीय रसोई में मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाते हैं। तो दूसरी ओर शहद भी गुणों के मामले में किसी से कम नहीं है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर लहसुन और शहद को एक साथ मिलाकर खाया जाए तो इससे हमारे हेल्थ को क्या क्या फायदे होंगे? आपको जानकर हैरानी होगी कि लगातार 7 दिनों तक लहसुन और शहद के मिश्रण से बनाया गया पेस्ट को खाने से कुछ ही दिनों में आपकी हेल्थ पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाई देने लगता है। तो चलिए जानते हैं शहद और लहसुन को एक साथ मिलाकर खाने से क्या क्या लाभ होते हैं। लहसुन और शहद को एक साथ मिक्स करने से ये शरीर का मोटापा कम करने में हेल्प करता है। इसलिए मोटापे से परेशान लोगों को शहद और लहसुन का मिश्रण जरूर खाना चाहिए। जब आप लहसुन और शहद को एक साथ मिलाकर लेते हैं तो ये दिल के लिए टॉनिक की तरह काम करते हैं। इसे लेने से दिल की धमनियों में जमा फैट बाहर निकल जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, जिससे दिल से संबंधित बीमारियों से छुटकारा मिलते हैं। इस चमत्कारी मिश्रण को लेने से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी मदद मिलती है। इनमें पाए जाने वाले फॉस्फरस दांतों को मजबूत बनाते हैं। इसके सेवन से दांतों से जुड़े कई सारी समस्याओं से छुटकारा मिलते हैं। फ्रेंड्स, इसको खाने से शरीर में गर्मी आती है, जिसके कारण आपको सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। जैसे कि आपको पता ही है कि लहसुन और शहद दोनों में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन दोनों का सेवन करने से फंगल इन्फेक्शन से राहत मिलती है। डायरिया से पीड़ित मरीजों को लहसुन और शहद का मिश्रण सेवन करना चाहिए। इसको खाने से पाचन तंत्र ठीक तरीके से काम करते हैं, जिसके कारण पेट से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। लहसुन और शहद का मिश्रण बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिसके कारण जो व्यक्ति लहसुन और शहद को एक साथ मिलाकर खाते हैं वो आसानी से बीमार नहीं हो पाते। दोस्तों, लहसुन और शहद का पेस्ट नेचुरल डिटॉक्स की तरह काम करते हैं। इससे शरीर अंदर से सफाई हो जाती है। इस पेस्ट को खाने से शरीर के अंदर की गंदगी और जहरीले तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे आपके स्किन और भी ज्यादा सुंदर बन जाती है और आपके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इन दोनों में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, इस वजह से गले की खराश और सूजन जैसे इन्फेक्शन से आपको आराम दिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जानेंगे कि लहसुन और शहद का पेस्ट बनाने का सही तरीका क्या है। 2 से 3 लहसुन की कलियों को कूट ले और उसमें शहद मिलाए। इसे कुछ समय तक ऐसे ही रहने दे ताकि लहसुन में शहद अच्छी तरह से मिल जाए और लहसुन शहद को अच्छी तरह से सोख ले। फिर इस मिश्रण को खाली पेट रोजाना सुबह 7 दिनों तक लगातार खाए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इससे आपकी हेल्थ पर बहुत ही बढ़िया असर देखने को मिलेगा। तो फिर आप लोग जान चुके हैं कि शहद और लहसुन को एक साथ मिलाकर खाने से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके आपका प्यार जरूर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स को शेयर करें। परिवार के सभी सदस्यों को ये वीडियो दिखाइए। इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबके पास होनी बहुत ही जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे, हेल्दी रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।